हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका मैग्नेटिज्म के एक और नए सवाल में। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर देखें जरा, क्या कहता है सवाल। अच्छा क्वेश्चन है, कहता है एक 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रोटॉन, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि एनर्जी, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मूविंग यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमको दे रखी है। मेगा का मतलब 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 × 10 की पावर -19 जूल, और ये हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी आ गई। कहता है भाई परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो थीटा हमारे पास में 90 डिग्री है और मैग्नेटिक फील्ड 2.5 टेस्ला है। कहता है फोर्स पता लगाइए प्रोटॉन पर कितनी लगेगी। अगर प्रोटॉन का मास जो हमको दे रखा है 1.65 × 10 की पावर -27 kg। ध्यान लगा के देखेंगे सवाल के अंदर काइनेटिक एनर्जी हमको दी हुई है। बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² और ये दिया हुआ है 2 × 10 की पावर 6 × 1.6 × 10 की पावर -19। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम वेलोसिटी पता लगाएंगे। हम लिख सकते हैं वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर 2 × 4 × 1.6 × 10 की पावर -13 और मास डिवाइड में आ जाएगा, तो मास की जगह लिख देंगे 1.65 × 10 की पावर -27। तो जो वेलोसिटी निकलेगी वो निकलेगी √4 × 1.6 × 10 की पावर -13 / 1.65 × 10 की पावर -27 m/s। ये हमारी वेलोसिटी निकल गई। उसने हमसे क्या पूछा है, फोर्स। कली के सवाल में हमने फोर्स का फॉर्मूला देखा था, होता है qvb sin थीटा। फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज गिवन बाय qvb sin थीटा। तो ध्यान लगा के देखेंगे q की जगह, तो क्योंकि प्रोटॉन है तो 1.6 × 10 की पावर -19। वेलोसिटी की जगह पूरी ये वाली वैल्यू हम उठा के रख देते हैं, 4 × 1.6 × 10 की पावर -13 डिवाइड बाय 1.65 × 10 की पावर -27 और मैग्नेटिक फील्ड है जी 2.5 टेस्ला और थीटा है जी 90 डिग्री। तो साइन 90/1 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लें, आपके पास में फोर्स का आंसर आ जाएगा इन न्यूटन्स। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। कल फिर एक नए सवाल के साथ मिलेंगे। थैंक यू।